9 इंच रहेगी और क्यों नहीं 11 इंच रहेगी। यहाँ से 24 इंच पे मार्क लाएंगे। और यहाँ से 1.5 इंच का मार्क रहेगा और यहाँ से 6 इंच का मार्क रहेगा। और यहाँ से 13.5 इंच का मार्क रहेगा। सारे मार्क को हम सीधा कर देंगे। चेस्ट का चौथा हिस्सा रहेगा 7.5 इंच, ठीक है। यहाँ से 1 इंच और यहाँ से चेस्ट का चौथा हिस्सा रहेगी 7.5 इंच रहेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम इसको शेप देंगे इस तरह। यहाँ से हल्का हम इसको क्रॉस कर लेंगे। ये 2 इंच फोल्ड हो जाएगी। बॉडी है 9 इंच, उसका 4.5 आती है यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे। और यहाँ से इस तरह हम इसको मार के आ लेंगे। इसका 20 सेंटर में मार के आ लेंगे। यहाँ पे ये सेंटर 1.5 इंच पे मार के आएंगे, ठीक है। यहाँ से इसकी गोलाई रहेगी। ये सामने की गोलाई इस तरह देंगे। ये जो सामना पल्ला है ना, सामना पल्ला इस तरह रख लेंगे। सामने की गोलाई इस तरह रहेगी। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे।
इसको हम सीधा बैठा लेंगे, ये लाइनिंग देख करके हम इसको बैठा लिए, ठीक है। और सेम इसके सेम इसी जैसा हम कट कर लेंगे, कट करने के बाद में हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये बैक पल्ला स्लीव्स का बैक पल्ला हम इस तरह कट कर लिए हैं। अब इसको मार्जिन सब चलाएंगे, ये दोनों तरफ का मार्जिन छोड़ देंगे, 5.5 इंच आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे 9 इंच आ रही है, 9 इंच, और यहाँ पे 1/2 इंच ऐड करेंगे। यहाँ पे 11 इंच है, तो यहाँ पे का मार्जिन 6.5 इंच आ रही है, तो यहाँ पे 11 इंच है ना, 10 तक लगेगी तो टाइट हो जाएगी, तो 11.5 इंच रखेंगे, ये 6.5 इंच, और यहाँ पे 6 इंच पे मार्क लगाएंगे। यहाँ पे कितना आ रही है, 1.25 इंच आ रही है, और यहाँ पे 2 इंच डाउन करेंगे। अब इस तरह इसको मार्क लगा लेंगे। बाकी जो कपड़ा है मार्जिन में आ जाएगा, ज़्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ा हम कट करके डालेंगे। ये इस तरह आ जाएगी। ये पीस सेंटर से हमारा सिलेट कंप्लीट हो गया।